एक तो मेरे मन में गुस्सा है, इतनी महान विरासत के साथ अन्याय किया है, जो आज किनारे पर बैठे हैं उनको सुनना शुरू कर दे तो भी कांग्रेस का भला हो जाए, और हरेक को जो अवसर मिलना चाहिए परिवारवादी के अंदर नहीं मिलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु का दौरा किया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पहला इंटरव्यू देने के लिए पीएम ने तमिल चैनल थांती टीवी को चुना और रविवार 31 मार्च को ये इंटरव्यू चैनल ने प्रसारित किया। चुनावी शंखनाद के बीच इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने खुलकर बातचीत की। पीएम मोदी ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में दक्षिण भारत के राज्य यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने तमिल को सबसे पुरानी भाषा करार करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि तमिल भाषा जो सबसे पुरानी भाषा है उसे दुनिया में उचित मान्यता मिले। लेकिन कुछ लोग ये सुनकर कहेंगे कि नहीं, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, जबकि तमिल भी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। हालांकि दोनों में से कौन सी एक भाषा सबसे पुरानी है इसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। गुस्सा इस बात का है कि हम ही लोगों ने इतनी महान विरासत के साथ अन्याय किया है। कैसे? कहीं पर डायनासोर का अंडा मिल जाए तो पूरा देश नाचता है। भारत के पास हजारों साल पुरानी दुनिया की सबसे समृद्ध लैंग्वेज है, लेकिन हम सेना तान के दुनिया को कहते नहीं है। वो अभी जीवित भी है, इट्स अ लिविंग लैंग्वेज, कहते नहीं है। हमने क्यों इसको इस प्रकार से सिकुड़ कर रखा है? तो मेरे मन में एक और दर्द है, और इसलिए मुझे जैसे एक दो वाक्य बोल देता, सुनने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं मन में तक ठहर कर गया था मैं यूएन के अंदर तमिल बोलूंगा। वो इसलिए मैं बोला कि मैं दुनिया को बताने की, दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ये दुनिया को पता होना चाहिए। और इतनी समृद्ध विरासत, इसका हर जगह पे गौरवगान होना चाहिए। तो मैं अब देखिए, राजनीतिकरण हो गया लैंग्वेज का। पारंपरिक तमिल पोशाक वेष्टी और मुंडू पहने प्रधानमंत्री ने तमिल टेलीविजन चैनल थांती टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मैं गुस्से में हूँ क्योंकि हमने तमिलनाडु की महान विरासत के साथ अन्याय किया है। तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, फिर भी हमें इस पर कोई गर्व नहीं है। इस समृद्ध विरासत का गुणगान पूरे विश्व में होना चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जैसे तमिलनाडु की पारंपरिक इडली और डोसा देश और विदेश में उपलब्ध है, वे चाहते हैं कि तमिल भाषा जो सबसे पुरानी भाषा है उसे दुनिया में उचित मान्यता मिले। और यही कारण था कि संयुक्त राष्ट्र में भाषण के दौरान उन्होंने तमिल में बात की। उन्होंने कहा कि तमिल भाषा का राजनीतिकरण न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत के लिए भी हानिकारक है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जैसा कि पीएम मोदी ने इंटरव्यू में तमिल भाषा को सबसे पुरानी भाषा का टैग दिया, क्या ये सच में सबसे पुरानी भाषा है? आइए जानते हैं। संस्कृत और तमिल दोनों को सबसे पुरानी भाषा माना जाता है, लेकिन दोनों में से कौन सी एक भाषा सबसे पुरानी है इसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तमिल भाषा का रिकॉर्ड इतिहास 2300 साल से अधिक पुराना है। इसका सबसे पुराना लिखित रिकॉर्ड 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, जिसके बाद से भाषा का विकास जारी है। दूसरी तरफ एक प्राचीन इंडो आर्यन भाषा संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। संस्कृत का रिकॉर्ड इतिहास 3500 साल पुराना है। संस्कृत के सबसे पुराने लिखित अभिलेख वेदों में से मिले हैं। ये वो प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो 1500 और 1200 ईसा पूर्व के बीच रचे गए हैं। हालांकि तमिल और संस्कृत दोनों समृद्ध इतिहास वाली प्राचीन भाषाएं हैं, लेकिन ये निर्धारित करना मुश्किल है कि कौन सी भाषा सबसे पुरानी है, क्योंकि दोनों लंबे समय से विकसित हुई हैं और एक दूसरे को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया है। हालांकि यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि जीवित भाषाओं में तमिल सबसे पुरानी लिखित परंपराओं में से एक है, जबकि संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी दर्ज भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। तो चलिए अब दोनों भाषाओं से जुड़े कुछ फैक्ट्स पर बात करते हुए इनकी तुलना कर लेते हैं। पहला पॉइंट,
तमिल एक द्रविड़ भाषा है जिसे मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य के साथ साथ श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया में बोला जाता है। संस्कृत एक प्राचीन इंडो आर्यन भाषा है, इसे सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी माना जाता है। दूसरा पॉइंट, तमिल साहित्य की परंपरा को बेहद समृद्ध माना जाता है जिसमें भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में काफी योगदान दिया है। तो वहीं संस्कृत की बात करें तो इसकी शब्दवाली बेहद समृद्ध है, इसका व्याकरण काफी जटिल भी है, इससे अधिक संरचित और जटिल भाषा माना जाता है। तीसरा पॉइंट, तमिल लिपि दुनिया की सबसे पुरानी और जटिल लेखन प्रणाली में से एक है। तो वहीं संस्कृत इस भाषा ने हिंदी, बंगाली और मराठी समेत कई भाषाओं के विकास को प्रभावित किया है। चौथा पॉइंट, तमिल दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसके 5 एनसाइक्लोपीडिया है। तो वहीं संस्कृत इसका प्रयोग मुख्य रूप से हिंदू धर्म ग्रंथों, प्राचीन भारतीय साहित्य में किया गया है। कुल मिलाकर तमिल और संस्कृत दोनों ही भाषाएं भारतीय परंपरा के विकास में अहम योगदान देती है, साथ ही इनका भारत की भाषाई विरासत की समृद्धि और विविधता में विशेष योगदान है। तमिल और संस्कृत समृद्ध इतिहास और अनोखी विशेषता वाली प्राचीन भाषाएं हैं।